सिद्धार्थ लिख रहा है देव साहेब की बायोग्राफी. देखें किस पन्ने में है कैसी लव स्टोरी. प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज राइटर, भारती एज गर्लफ्रेंड, किकू एज बॉयफ्रेंड एंड किशोर एज देव. हेलो सर. हेलो रचना जी, मैं इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बायोग्राफी राइटर हूँ. मैं तो अभी एक सुपरस्टार पे बुक लिख रहा हूँ. देखना वो सुपरस्टार कौन है. यह है वो मेरी बुक. जोरदार तालियां देव साहब के लिए. एक मिनट मेरे भाई. ओ इधर क्या है? जिमी जी बोल रहा हूँ. क्या है? देव साहब के बारे में बात करनी तो मुझसे पूछना. एक मिनट. नमस्ते अर्चना जी, कैसे सोहेल भाई? ये इधर है, इधर है. क्या अभी तू स्टैंड अप करेगा तो मैं क्या करेगा? अरे सॉरी यार, एक्चुअली देव साहब के बारे में तूने पूछा तो देव साहब के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जानेगा. वो कैसे? उन्हीं के लिए तो पहली बार 12 कैमरे का सेटअप आया था. एक कैमरे से कैप्चर नहीं हो पाते ना वो. बात तो सही कर रहा है कैमरा. अरे क्या जमाना था वो. बड़े बड़े स्टार को कैप्चर करते थे. आजकल देखो श्रुति जैसी लड़कियों को कैप्चर करना पड़ता है. अरे मंत्रा, अरे कैमरा भी पंच मारने लगा, अभी तू तो सटार बंद कर दे. कसम यार, कई बार उसका एक्ट आता है इतना गुस्सा आता है ऐसा कहता हूँ मुंह उधर करके बैठ जाऊँ. एक मिनट, ज्यादा पंच मत मार ना, तो अगले सीजन में मेरी जगह तेरे को भारती का पार्टनर लेंगे. चल जा, चल अभी जा. अरे मैं फंबल तो कम मारूंगा ना. ए कैमरा अभी जाना, चुपचाप मेरे को मेरा स्टैंड अप कर दे. नहीं जाऊंगा. अरे जा. क्या करेगा? ऐसे लेंस पे पप्पी लूंगा ना मैं. तो मेरे बुक का पहला चैप्टर है 40s की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में. ये क्या, हम तो डिस्को में पहले ही आ गए और राम बाबू अभी तक नहीं आए. हेलो, 40 में डिस्को कहां से आ गए? हाय राम, ये क्या अनर्थ कर दिया राइटर बाबू, आपने हमें छू लिया. सुहेल बाबू, अब हम कहीं माँ तो नहीं बन जाएंगे? ये हमारे राम बाबू किधर है? राम बाबू, राम बाबू. वाह राम बाबू वाह, क्या सुपर हिट धुन पे आपने एंट्री की है. मेरा तो हृदय गदगद हो गया. प्रिय, हम जब भी ऐसे फंकी कपड़े पहनते हैं तो ऐसी ही बीट पर एंट्री करते हैं प्रिय. वाह, वैसे एक बात बताओ, इस खूबसूरत से डिस्को में तुम ऐसे ही आ गई, जरा सा भी अंग प्रदर्शन ना किया तुमने? अंग प्रदर्शन? लगता है आप अंग देखे बिना घर नहीं जाएंगे. तो दिखाओ. जिद्दी कही के दिखा ही देते हैं. ऊपर देखिए. हाय 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 हाय, हृदय पुलकित हो गया प्रिय. हाँ तो दोस्तों, इस ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में आ गया एक कलरफुल हीरो. हटाओ इस लड़की को मेरी नजरों से, इससे पहले एक मैं चाबी मारकर इसका सर फोड़ दूँ. चाबी मार के सर कैसा फोड़ेंगे सर? चाबी के साथ 1.5 किलो का ताला भी तो होगा. देव बाबू, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? वो इसलिए कि ये लड़की मेरा पहला प्यार थी. मैंने इसे हीरोइन बनाने का वादा किया था, लेकिन मुझे इसने ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं बच्चों के साथ काम नहीं करती. आज मैं कहता हूँ कि मैं बुढ़ियों के साथ काम नहीं करता. फिर छोड़ो, एंजॉय द पार्टी. देव बाबू, थोड़ा नजदीक आइए ना. मुझे बुलाया? देव बाबू, आप कितने हैंडसम हैं. तुम भी कोई कम नहीं हो रोजी. ये सुलगता हुआ जिस्म, ये कप कपाते होंठ, ये थर थराता बदन और ये लड़खड़ाती आवाज, मुझे पहले से पता था तुम्हें दमा है. देव बाबू बोलो. यहाँ हमारी है देव बाबू, अगर आपको देखना ही है तो अर्चना जी को देखिए. इनके तो हम बहुत पुराने आशिक हैं. इनकी गली के चक्कर काटते काटते इनके कुत्ते भी हमारे यार हो गए.
ये तो हमारे ना हो सके, हम कुत्तों के सरदार हो गए। अरे लेकिन आप भी तो आशिक मिजाज के हैं। ए मैं बताता हूँ इधर आ, मैं बताता हूँ। ए मैं तेरे को बुलाया क्या? हाँ तो तेरे को बोला क्या? तो तू क्यों मुझमें बोल रहा है? अरे तेरे को थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना। ए कैमरा तेरे माँ का लेंस। ए तेरे बहन का ज़ूम इन ज़ूम आउट। ए अभी तू पर्सनल हो रहा है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, अभी मैं चुप चुप इसको बोला तू। ए तू चल, गेट आउट मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये क्या लगा रखा है? मैं रोमांटिक मूड में आया था और आप यहाँ पर एक्शन शुरू कर दिए। ये क्या किया आपने देव बाबू? हमारी नाक पे लगा। हाँ देव बाबू, ये क्या तरीका है? आप हर वक्त क्यों अपने चेहरे को तो मारते रहते हैं, आपने इसके चेहरे को क्यों मारा? मैं सबके चेहरे को मारूंगा, इसके चेहरे को मारूंगा, तुम्हारे चेहरे को, इसके भी, सबके चेहरे को मारूंगा। मन, अरे देव बाबू, देव बाबू सब चले गए, लेकिन मेरे को एक सवाल है, आप देव बाबू आप इतना हिलते क्यों है? ये मेरा स्टाइल है। एक जमाना इतना था कि मैं इतना हिलता था कि जब लोग मेरी फिल्म गाइड देखने जाते थे तो मैं बाजू वाले थिएटर मुगले आजम के स्क्रीन पर नजर आता था। और फिर अकबर आपको बोलता होगा, देव कली निकल जा हमारे फिल्म के नजरों से, अपनी औकात में रहो। हाँ। और किताब लिखो। हाँ, तो दोस्तों उसके बाद आया श्रुति 70s का जमाना। देव बाबू अब एक जगह खड़े होकर बात क्यों नहीं करते, हिलते क्यों रहते? एक जगह खड़े रहिए ना। अगर सीधा खड़ा रहूंगा तो गिर जाऊंगा। गिरना तो तुम्हें है यार, क्योंकि इस लड़की को लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आ जाओ डार्लिंग। अगर रोजी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जवान सवाल के बात कर, तुझे शायद पता नहीं लेकिन तेरी माँ और तेरी बहन मेरे कब्जे में है। तो तुम्हारे पास है। थैंक गॉड 3 महीने से गायब थी, तुमने उसे संभाल के रखा। थैंक यू। मुझे एक बात बताइए देव साहब जी, आप हर एक फिल्म बनाते थे वो, यानी बाद में तो आपकी सब फिल्में फ्लॉप हो गई, तो फिल्में बार बार क्यों बनाते थे आप? फिल्म बनाना मेरा एक पैशन है, मेरा ऑक्सीजन है, मेरा प्राण वायु है। मैं अपने लिए कभी फिल्म नहीं बनाता, मैं स्टाफ के लिए फिल्म बनाता हूँ, क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर खड़ा होता है तो कई लोगों के चूल्हे जलते हैं। देव बाबू, लेकिन ऐसे प्रोड्यूसर तो आपका पैसे का कितना नुकसान होता होगा? किसने कहा कि मैं नुकसान में हूँ? जब मैं यहाँ बम्बई शहर में आया था तो मेरी जेब में 35 रुपये 50 पैसे थे, और जब तक मेरी जेब में 35 रुपये 50 पैसे है देव कभी लॉस नहीं हो सकता। अर्चना जी, सोहेल भाई, मैं किशोर भानुशाली, पूरा जीवन मैंने देव साहब की छवि में बिताया है। आज मुझे देव साहब का वो डायलॉग याद आ रहा है जो गाइड में उन्होंने कहा था क्लाइमेक्स में, कि जीवन पिघलता प्रकाश है, मैं एक सच्चाई हूँ, तन मेरा रहे न रहे मैं रहूँगा। मौत एक ख्याल है जैसे जीवन एक ख्याल है, न सुख है न दुख है, न दिन न दुनिया, न भगवान न इंसान, मैं सिर्फ मैं। तो सबसे पहले हमारे आज के सुपरस्टार किशोर के लिए जोरदार तालियां। जजेस कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? अर्चना, ये परफॉर्मेंस बहुत ही नॉस्टैल्जिया से भरी हुई थी। कीकू और भारती, आपने हमें हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। सिद्धार्थ, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान नहीं था इस एक्ट में, लेकिन जो सूत्रधार के तौर पे आपने किया, और आपका खास तौर से वो जिमी जिप कैमरा के साथ जो इंटरेक्शन था वो बहुत बढ़िया था। लेकिन किशोर मेरे भाई, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, किशोर हमने शोज़ किए हैं एक साथ, और किशोर आपने बहुत अच्छा किया। अमर है देव साहब, जैसा कि आपने भी कहा, यू हैव केप्ट हिम यू नो मोर एवरग्रीन, एंड देव साहब वाज एन अमेजिंग मैन, एंड ये एक्ट बहुत अच्छा ट्रिब्यूट है उनके लिए। थैंक यू आजी। सोहेल, मेरी पैदाइश फिल्म इंडस्ट्री में हुई है, एंड जब मैं बड़ा हो रहा था तो सबसे बड़े स्टार्स उस वक्त सलीम जावेद थे, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं 3 लोगों के साथ काम करूँ,
एक थे बच्चन साहब, कभी मौका नहीं मिला, लेकिन एक बार मौका मिला दैट ही केम एंड ही डब्ड फॉर हेलो ब्रदर, वो जो एंड का जो पोर्शन था. एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद धर्म जी इन प्यार किया डरना क्या. लेकिन मेरी एक ख्वाहिश हमेशा जो पूरी नहीं होगी, दैट आई ऑलवेज वांट टू वर्क विद देव साहब. तो जब आप आज स्टेज पे आए एंड यू गेव हिम द ट्रिब्यूट, आई हैव फेल्ट सो नाइस एंड थैंक यू. और मैं आपको याद है क्या, मैं बैंडा टॉकीज गया था और मैंने आपकी फिल्म दिल देखी और मैंने आपका नंबर कहाँ से ढूंढा और मैंने आपको उस वक्त फोन किया दिल देखने के बाद और मैंने कहा दैट यू आर द हाईलाइट ऑफ द फिल्म. और आज कुछ जन होते जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन एक हिट फिल्म को सुपरहिट कर देता है, और दिल में आपने वो किया था, आपने एक हिट फिल्म को आपने एक सुपरहिट कर दिया था. थैंक यू सर, वेरी नाइस. थैंक यू सोहेल. आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? I'm going to go for a 10. 10 points from Sohail. Archie? For the act, it would be a 9. But for you, Kishore, especially. Oh, 10 points. Thank you, thank you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.